हेलो स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल होल्ड इन क्लोरीन तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर चाहिए जो कि है सेवनटीन एटॉमिक नंबर क्यों क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और साथ ही साथ इन न्यूट्रल कंडीशन इन न्यूट्रल कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना क्योंकि अटॉम तो भाई न्यूट्रल होता है तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है किस हिसाब से बोर ब्यूरी रूल के हिसाब से अब अगर बोर ब्यूरी रूल को थोड़ा समझे तो देखो टू इन स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में रह सकता है तो इन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन को हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं इन जनरल के एल एम एंड सो ऑन तो देखो इस हिसाब से के में रहेगा टू एल में रहेगा एट एम में रहेगा एट्टीन मैक्स टू मैक्स अब चलो समझते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखो सेवनटीन को हमें अगर इस तरीके से अरेंज करना है यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स को तो हमारा क्या हो जाएगा टू कॉमा एट दस हो गए एंड सेवन यानी एम सेल में क्लोरीन का सेवन है अब एक चीज़ समझो बोर ब्यूरी रूल के अनुसार टू एन स्क्वायर तो है लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ अगर ये लास्ट शेल है तो आप यहाँ देख सकते हो कि सेवन है लास्ट शेल है कौन एम तो लास्ट शेल में कितना रहना चाहिए एट इलेक्ट्रॉन्स ओनली ठीक है तो लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स रहेगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड ब्योरी रूल तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच